though. Yeah, though. यादव 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 सर यादव नहीं रहा ही इज डेड सर व्हाट नो इतने बड़े पोर्ट पर वो सर्वर कहां होगा क्या पता, कोई फायदा नहीं। सर्वर जहाज पर नहीं है सर। वो तो मैं भी जानता हूं, लेकिन गलती काम है। चलो धत, समंदर के बीचों बीच आ गए, वापस कैसे जाएंगे? आराम से मिस्टर शेखर, गोली चल जाएगी। शेखर, ये किस तरह का मजाक है? मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं ये सब। इनसे कहो मुझे जाने दे। स्वाति? Yes, your wife स्वाति। नहले पे तहला। शादी में पंगा, मेरा भी हफ्ता खराब कर दिया। सब तुम्हारे पति की वजह से। आखिर मुलाकात हो ही गई। बहुत परेशान किया तुम्हें। ये ऐसे ही है क्या, हमेशा दूसरे के पटे में टांग अड़ाता है? खिलाड़ी अच्छे हो, फोन से मुझे फंसा लिया। लेकिन तुम्हारी पूरी बटालियन कहाँ चली गई जो सिर्फ तुम दोनों अकेले आए? सर्वर चाहिए, मिल गया? नहीं मिलेगा। ए, तुम जानते भी नहीं ये कितना बड़ा घोटाला है, जिसके सामने ऑगस्टा, बफोर्स, 2G, कॉमनवेल्थ कुछ भी नहीं है। इसमें कई डिपार्टमेंट शामिल हैं, जैसे माइनिंग, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, फाइनेंस, फॉरेन ट्रेड्स आदि कैबिनेट, और उनमें काम करने वाला हर एक सरकारी ऑफिसर है, IAS और उनके PA से लेकर टॉप हेड्स ऑफ मिलिट्री एंड नेवी।
सब शामिल है। मिनिस्टर साहब भी इसमें इतना पैसा लगा हुआ है जो तुम सोच भी नहीं सकते। अगले 20 साल तक तो ये सरकार नहीं गिरेगी, समझ में आया? हथियारों के लिए ये प्लूटोनियम इतना अच्छा है जिसका कोई मुकाबला नहीं। पता है शिप पर मौजूद सामान से कितने न्यूक्लियर वेपन बन सकते हैं? 50,000। जानते हो हम ये किसे बेच रहे हैं? जरा अंदाजा लगाओ। नहीं समझे? नॉर्थ कोरिया। अगर किसी को भनक पड़ जाए कि हम ये नॉर्थ कोरिया को बेच रहे हैं तो यूएन में हमारे देश की हालत इराक और ईरान से भी बदतर हो जाएगी। देश को तो बाद में बचाना, लेकिन पहले खुद अपने दिमाग में सोचो शतरंज की इस बाजी में तुम्हारी औकात क्या है। बस एक तनख्वाह पाने वाला मामूली सा नौकर, यही औकात है तेरी इस खेल में। तू सिर्फ एक मामूली आदमी है, तू सिर्फ दुम हिला सकता है। घबरा मर, अभी नहीं मारूंगा तुझे। अभी तो तुझे पूरी पिक्चर दिखानी है, तब तक सारे लोग एक शानदार कमरे में आराम कर लो। जब मिनिस्टर ही मिला हुआ है तो हम क्या उखाड़ेंगे सर? तुम क्या कर रहे हो शेखर? सर्वर कहीं है ही तो नहीं? शेखर सुन रहे हो ना? ए, यहाँ से बच के निकलने का कोई तो रास्ता होगा। हम बचेंगे कैसे? समुद्र में कूद कर? मैं तैरना नहीं जानती। तैरना पड़ेगा वरना ये लोग हमें मार डालेंगे। क्या सच में मार देंगे? मुझे तो लगा था पैसे लेकर छोड़ देंगे। ओ, ये कोई यूपी बिहार के गुंडे नहीं है, माफिया है। मुझे तो आदत हो गई है। क्या बोलते हो सर? ओए धीरे बोल यार। ये तो माफिया लोग ही हैं। और आधी रात को मुझे घर से किडनैप कर लिया, बहुत ही खतरनाक। इसीलिए मैंने कितनी बार कहा तुम्हें कि जब भी कोई अजनबी दरवाजा खटखटाए तो दरवाजा मत खोलो, पर तुम सुनती कहाँ? मुझे कैसे पता चला? मुझे तो लगा था कि तुम ही हो। इतनी रात को मैं क्या छक मारने आऊंगा? यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, मेरे बारे में तो सोचना ही मत। मेरी क्या जरूरतें हैं, क्या इच्छाएं हैं, मैं क्या चाहती हूँ, इस तरह चोरों के साथ जिंदगी गुजार देना, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। अरे ये चोर नहीं, अच्छा आदमी। हाँ तो मैं पढ़ा लिखा हूँ, IIT से। सॉरी स्वाति, मैं इस जॉब से ही रिजाइन कर दूंगा। हाँ अब रिजाइन करने से क्या फायदा, सब कुछ तो खत्म हो चुका है। सब कुछ खत्म हो गया? मैं जानता था, जो मैंने सुना था वो बिल्कुल सही था। तुमने क्या सुना? यही कि तुम भी उसे पसंद करती हो। वो कौन है? और कौन, वही लंबू प्रकाश, वो रोज ही तो आता है तुमसे मिलने। छी छी, कितनी घटिया सोच है तुम्हारी शेखर। हाँ हाँ, मैं तो घटिया किस्म का इंसान हूँ ही। तुम लोग अच्छे हो जो बुक क्लब में जाकर किताब के नाम पर चोचे लड़ाते। तुम्हारे दिमाग में तो गोबर भरा है, अब बस भी करो शेखर। माँ कसम तुम दोनों बंद करो, ये सुनकर मुझे शादी से डर लग रहा है। मुझे मत दोष दो, समझे? अच्छा, इनकी बात से लगता है कि ये असली बात नहीं जानती। कौन सी बात? कौन सी बात? कि सर को कैंसर है। कैंसर है? किसको कैंसर है? ए, तुझसे किसने कहा मुझे कैंसर है? इनको, आपके पति को कैंसर है, आपको पता नहीं है? तुम्हें कैंसर है? कब से? नहीं स्वाति, मुझे कैंसर अंदर कुछ नहीं है। कैंसर है, उस डॉक्टर ने बताया जो इनकी ट्रीटमेंट करता है, वो लड़कियों के बाजार में मिला। अरे वो तो गधों का डॉक्टर है। ये क्या शिखर, इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई? ओ अब मैं समझा।